राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा आयोजित दो दिवसीय हड़ताल के दूसरे दिन राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हड़ताल के समर्थन में बैंक कर्मियों ने हड़ताल जारी रखा। बुधवार को स्थानीय यूपी बैंक एम्प्लाइज के बैनर तले सभी बैंक कर्मी पंजाब नेशनल बैंक शाखा जुबली रोड पर उपस्थित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के प्रति आवाज बुलंद किया। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दिया। इस अवसर पर भारी संख्या में बैंक कर्मी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए यूनिट के जिला मंत्री यूपीएन सिंह ने कहा, उन जनता को हटाशन का मामला हो स्पष्ट है, बैंक ऑर्गेनाइजेशन का सहूलियत दे सके निगम है, यह इंडस्ट्री है वो AIBA कर रही है, AIBA सर्विस कंडीशन में बाइबल डाइट है, सरकार के प्रति कोई आक्रोश ही नहीं है और अपनी समस्याओं से हम जो समस्याएं हैं उससे हम पीड़ित ही नहीं है, हमारे सबके चेहरे पे मुस्कान रहती है और कभी भी संतुष्ट व्यक्ति संतुष्ट समाज किसी भी आंदोलन को चला नहीं सकता है और उसे सफल नहीं कर सकता है। हम सब अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, हमें पता ही नहीं है कि यह आंदोलन किस लिए हो रहा है। आज ये ट्रेड यूनियन का जो दो दिन की हड़ताल बुलाई गई है उससे हमारा क्या लेना देना है, हम उससे कितने पीड़ित हैं और सरकार का उद्देश्य क्या है, वो उसकी साजिश क्या है, वो करना क्या चाहती है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। एक वक्त था जब बैंक कर्मियों की कोई वर्किंग आवर्स नहीं थे, कोई आने जाने का समय नहीं हुआ करता था, कोई उनका वेज निर्धारित नहीं था, कोई उनकी लीव की सुविधाएं नहीं होती थी, कोई उनके वेतन की सुविधाएं नहीं होती थी, मैनेजमेंट से आपको बात करने का अधिकार नहीं होता था। उस जमाने में बैंक कर्मी बहुत पीड़ित थे, समाज में एक तिरस्कार की दृष्टि उन्हें देखा जाता था और जब वह व्यक्ति पीड़ित थे उन्हें लगता था नहीं, हमें समाज में खड़ा होने के लिए, समाज के बीच में रहने के लिए हमें ये सुविधाएं चाहिए, हमें ये अधिकार चाहिए, हम एक बदुआ मजदूर की तरह बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं कर सकते हैं। एक आंदोलन खड़ा हुआ और जैसा हमारे बाबू यूपीएन सिंह ने कॉमरेड परवाना का वो शेर पढ़ा था, लोग महीनों महीनों धरना देते थे, सैकड़ों की संख्या में लोग बर्खास्त हो गए, उसकी परवाह उन्होंने कभी नहीं किया और निरंतर आंदोलन करते रहे, निरंतर आंदोलन करते रहे और उसका परिणाम यह है कि आज का बैंक कर्मी जो है अपने आप को बहुत संतुष्ट महसूस करता है। एक पुराने लीडरों ने एक रेड कार्पेट बिछा दिया उसके लिए, अब हमें उस रेड कार्पेट से चलने की आदत पड़ गई है। हम मानते हैं AC ऑफिस में बैठते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, कस्टमर भी आता है तो हम उसकी तरफ भी आधा ध्यान देते हैं, आधा अपने व्हाट्सएप पे भी लगे रहते हैं, तो तमाम ऐसी स्थितियां हैं जिससे बैंक कर्मी जो है वो अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड और बहुत ही सहज महसूस करता है और किसी आंदोलन के प्रति उसके अंदर उत्साह नहीं होता है। जिला मंत्री यूको बैंक एम्प्लाई यूनियन करूँ, आज हड़ताल के दूसरे दिन आज हम लोग हड़ताल पर हैं, आज सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया के बैंकिंग में AIBA भी हड़ताल पर है, GIC LIC भी हड़ताल पर है, RRB भी है, रीजनल रूरल बैंक भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी हड़ताल पर है, जितने श्रम जगत से जुटे हुए हैं लोग हड़ताल पर है, प्रमुख मांगे जो है वो हमारा महंगाई बढ़ोतरी रोकने की बात है, रोजगार सृजन की बात है, निवेश सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश उन्होंने क्यों किया जाए उसकी बात है, बोनस भविष्य निधि और पीएफ पर सीमा हटाने की बात है और हमारे जितने भी इशू हैं ठेका संबंधी और सोर्सिंग के काम कर रहे हैं उनको परमानेंट रोजगार देने की बात है और ILO की धारा 87-89 के बाद 45 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन श्रमिकों का जरूरी है और इस तरह से श्रमिक कानूनों में जो बदलाव हो रहा है उसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है श्रम जगत पर, उसको रोकने की बात है। साथ साथ हम बैंकिंग से जुड़े हैं, बैंकिंग संबंधी मुद्दे, इन मुद्दों के अलावा बैंकिंग संबंधी मुद्दों में बैंकिंग को सुदृढ़ किया जाए, बैंकिंग का निजीकरण किया जाए, बैंकों का विलय किया जाए, बैंकों में आउटसोर्सिंग रोका जाए, बैंकों में खराब ऋण जो 10 लाख एमपीए है उसकी तत्काल वसूली की जाए, बैंकों में पर्याप्त भर्ती किया जाए जिससे काम सुचारू रूप से हो जाए और इस हिसाब से आज हमने सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों स्वास्थ्य विरोधी नीतियों का लिए मैदान में खड़े हुए हैं हड़ताल के।
पूरी बात।